Hello student, welcome to the 7th lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is Ram Parmar और आज के lecture में हम लोग discuss करेंगे types of conjugations की under the heading of resonance. ना अगर हम बात करें students lecture number 6 की, तो वहाँ पे हमने resonance start किया था. आपको मैंने बहुत ही तसल्ली से एक एक चीज सिखाई थी कि resonance होता क्या है. एक बार हम लोग revision करते हैं lecture number 6 का, आप भी मेरे साथ revise करिए. Lecture number 6 में हमने पढ़ा था कि what is the meaning of localized bond and delocalized bond. ठीक है, एक बार रिवीजन करें मेरे साथ. लोकलाइज बॉन्ड का मतलब जो सिर्फ दो एटम्स के बीच में फिक्स है वो पाई बॉन्ड मूव नहीं हो सकता, जबकि डीलोकलाइज पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि वो सक्सेसिव एटम्स के साथ में मूवमेंट दिखा सकता है, राइट. इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन. सक्सेसिव एटम के पास में अगर वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा या पैरेलल पी ऑर्बिटल होगा तो वहां पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है. डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस. किसी भी कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और उन सबके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, यस भूल गए, यस इट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो नोन एज, बोलो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. क्या वो रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं? नहीं, दे आर इमेजिनरी. वेरी गुड. रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो एक रियल स्ट्रक्चर होता है और वो सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है टुवर्ड्स दी रेजोनेंस, राइट. दैट मींस वो रियल स्ट्रक्चर को पूरा डिफाइन करता है. अगर हम बात करें बेंजीन की, तो उसमें पाई बॉन्ड्स को, दैट इज थ्री पाई बॉन्ड्स है, उनको हम लोग डीलोकलाइज कर सकते हैं रिंग के फॉर्म में. इस वजह से आपने देखा होगा कि अंदर एक रिंग भी ड्रॉ किया जाता है, और बहुत बार आपने देखा होगा आपके टीचर को कि सर्कल अगर बेंजीन बनाते हैं तो अंदर डबल बॉन्ड्स को नो शो करते हो, उसके अंदर एक रिंग भी बनाते हैं, तो वो रिंग को या उस सर्कल को हम लोग क्या नाम देते हैं, याद है किसी को? भूल गए सर, याद है, बोलो सर, आप सुनते नहीं, हम तो बोल रहे हैं. ठीक है, मैंने सुन लिया. आपने रॉबिनसन सर्कल नाम बोला उसका, एब्सोल्युटली करेक्ट. नहीं बोला तो आपको रिविजन करने की जरूरत है. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट था, मैंने आपको बताया भी था, जो कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है, तो इसका मतलब इट हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. मैंने ऑर्बिटल व्यू भी बताया था कि पैरेलल पी ऑर्बिटल होगा तो ही रेजोनेंस होगा, वरना रेजोनेंस नहीं होगा. रेजोनेंस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है कॉन्जुगेशन, मतलब सक्सेसिव एटम्स के पास में पैरेलल पी ऑर्बिटल होना चाहिए, वरना वहां पर रेजोनेंस कभी नहीं होगा. पाई बॉन्ड के साथ में या तो पॉजिटिव भी चलेगा, रेडिकल भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, वेकेंट ऑर्बिटल भी चलेगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन या फिर sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की, तो अंडर द हेडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन. ठीक है, एक एक करके हम लोग सब लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में विल ट्राई टू फिनिश फर्स्ट एंड सेकेंड वाला. ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज पाई बॉन्ड एंड कटायन एट ऑल्टरनेट पोजिशन. पाई बॉन्ड एंड कटायन कहाँ होंगे? ऑल्टरनेट पोजिशन पे होंगे. ये फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, सबके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. दूसरा आता है स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड and radical at alternate positions. Pi bond and radical at alternate position. Third आता है pi bond and anion at alternate positions. सर ये सब हमको तारे जमी हो रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हो. इन सब के ऊपर बच्चों में बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाले, अभी सिर्फ सुनो ध्यान से. फोर्थ वाला आता है पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन. पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन. फिफ्थ वाला टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन आता है लोन पेयर एंड d orbital, vacant d orbital at alternate position. Vacant d orbital कहाँ पे students? Alternate position. And last वाला आता है lone pair and vacant p orbital at alternate positions. ठीक है, तो ये total 6 type के conjugations हैं. आज के lectures में हम लोग
ये दो को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये दो एक बार आप समझ जाते हो तो ये चारों आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चारों भी कंप्लीट हो जाएंगे एक ही लेक्चर में, क्योंकि ये दोनों में हमको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है और इधर सिर्फ अप्लाई करना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहला वाला कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पाइवोन एंड कटायन, पाइवोन एंड कटायन एट ऑल्टरनेट पोजिशन, पाइवोन एंड कटायन एट ऑल्टरनेट पोजिशन। अगर पाइवोन और कटायन दोनों कौन से पोजिशन पे है, ऑल्टरनेट पोजिशन पे है, तो हम लोग कैसे रेजोनेंस शो करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। इमेजिन करो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच टू प्लस। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, कंपाउंड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका हेडिंग क्या है, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है डबल बॉन्ड में, राइट। एंड कटायन एट ऑल्टरनेट पोजिशन, सो पाई बॉन्ड एंड कटायन दे आर डैश पोजिशन ऑल्टरनेट पोजिशन। सो पाई बॉन्ड है और यहाँ पे कटायन है, दे आर एट ऑल्टरनेट पोजिशन। अगर आपके पास में ऐसा कभी सिस्टम आ जाए तो हमेशा याद रखना आर्बिट्रिक, वाओ आर्बिट्रिक मूव इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स कटायन। हमेशा याद रखना इसमें आप इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करोगे, कटायन की तरफ मूव करोगे। ठीक है सर, ऐसा क्यों? ऑब्वियसली स्टूडेंट इसमें कटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के रिच है, डेफिशिएंट है, जबकि उसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। तो अगर मैं यहाँ पे जो दो पाई बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दू, ध्यान से देखना क्या कर दू, शिफ्ट कर दू, तो कहना ऐसे बच्चों यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में था अभी वो शिफ्ट हो जाएगा किसके बीच में, सेकेंड और थर्ड के बीच में। तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, आराम से रिलैक्स होके पढ़ो, दिस वीडियो लेक्चर्स आर मेड फॉर यू ओनली। ठीक है ना, आराम से घाई घाई में कुछ भी कवर करने वाला नहीं हूं मैं, यहाँ पे एक एक चीज तसल्ली से समझाऊंगा, भले मुझे आधा एक घंटा या दो घंटा भी ज्यादा लगेगा चलेगा, ठीक है, बट एक एक चीज आपको बहुत ही तसल्ली से समझाऊंगा, फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। अगर मैं ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कहना से इसका पॉजिटिव चार्ज तो गायब हो गया क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, बट कहना से इस वाले कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज घूम के कहा आ गया, यहाँ आ गया, एकदम सिंपल। अभी अगर मैं इसी को एक मॉडल से समझाऊं आपको तो ये ध्यान से देखो, ये रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये कार्बन है, ये दो हाइड्रोजन है सी एच टू है और ये डबल बॉन्ड है, फिर बाद में देखो सी एच है ये रहा और ये सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर क्या है नेक्स्ट सी एच टू है, यहाँ पे आप दो हाइड्रोजन देख सकते हो, ये देखो सी एच टू बराबर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव नहीं दिखेगा, इधर है ना एक ऐसा बॉन्ड दिखेगा आपको, यहाँ पे आके कोई भी जुड़ सकता है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो अभी आप बताओ ये है मेरा रियल स्ट्रक्चर ये वाला, बराबर है, अगर मैं ये बॉन्ड को यहां से शिफ्ट करता हूं, देखना ध्यान से, इसको मैंने अगर ऐसे शिफ्ट किया, ये वाले बॉन्ड को भी यहां से तोड़ के मैंने ऐसे शिफ्ट किया, तो कैन वी से दैट ये बॉन्ड अभी इधर से ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अभी मुझे तो वही पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहां पे आ गया। अभी आप बताओ यही वो स्ट्रक्चर है जो सेकेंड वाला है ना, अगर आप देखोगे ये फर्स्ट वाला तो क्या फर्स्ट वाला ऐसे दिख रहा था, ये देखो ये फर्स्ट वाला था और ये वाला सेकेंड वाला है, दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं देखो तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, हाँ या ना। तो आप बताओ ये वाला कंपाउंड पहला वाला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए और ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी, तो कैन वी से दैट अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो ए और बी तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, डिट्टो सेम दिख रहे हैं, देख लो आप आराम से तसली से देख लो, डिट्टो क्या दिख रहे हैं बच्चों, सेम दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ that this compound has how many resonating structures, two resonating structures A and B। अगर मैं वापस से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करूं ऐसे तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इस वजह से याद रखना रेजोनेंस में हम लोग हमेशा डबल हेडेड एरो बनाते हैं, कौन सा एरो, डबल हेडेड एरो, क्योंकि ये वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस कटायन, दिस इज अ कटायन राइट, नाउ दिस कटायन हैज हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के दोनों डिक्टो एक जैसे हैं, राइट ना, खाली अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो यही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दैट ए एंड बी आर
टू डैश स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दो क्या है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, और मैं कुछ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर लेक्चर्स के लिए, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर डैश इन नेचर ओवर हियर, दे आर इक्विवेलेंट। सो व्हाट यू मीन बाय इक्विवेलेंट, दोनों का बेटा अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर डिटो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर कभी, ध्यान से सुनो, अगर कभी रेजोनेंस के दौरान जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो एग्जैक्टली एक दूसरे का कॉपी बन जाए, तो याद रखना ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे आर वेरी वेरी स्टेबल। इससे बेटा इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सर ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो एक जैसा दिख रहा है, इक्वली क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। अभी ऐसे कंपाउंड्स देखने जाए तो बेटा इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर समझो बेटा एक घर में, समझो एक परिवार में चार बेटे हैं, समझो ठीक है ना, मॉम डैड ने कोई भी चीज लाई और समझो तीन बच्चों को दिया और एक को नहीं दिया, तो वो तो नाराज हो जाएगा, ऐसे घर में तो झगड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि उनको डे वन से ऐसे ही सिखाया जाएगा, जो भी चीज आएगी आपको इक्वली बांट के लेनी है और आपको इक्वली मिलेगा भी, तो एक माइंड सेट होगा और ऐसे में कहता झगड़े भी नहीं होंगे। तो याद रखना अगर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाए तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, जो एक्जैक्टली एक दूसरे का रेप्लिका है, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, अगर आप देखोगे तो पहले वाला ऐसा था, दूसरा वाला ऐसे था, बट इसको घुमाने के बाद देखो एक डिक्टो एक जैसा दिख रहा है। तो ऐसे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दे आर हाईली स्टेबल। सो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएगा तो हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं आ रहा है और जिसमें आ रहा है कंपेयर करोगे तो इक्विवेलेंट वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। अगर मैं इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूं तो कैन वी से दैट ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला, ये कभी यहां है, कभी यहां है, और फिर कभी यहां है, देख लो यहां भी है और यहां भी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ डैश द गिवन कंपाउंड। इज इट क्लियर, पक्का? सो ये हो गया आपका अलाइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो इसका नाम क्या है, अलाइल, इसको हम लोग अलाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अलाइल कार्बोकैटायन, ये मैंने आपको सब आईयूपीएसी में सिखाया, ये नाम याद रखने आपको। सो अलाइल कार्बोकैटायन हैज टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। सो आई राइट हियर अलाइल कार्बोकैटायन has two equivalent resonating structures. It has two equivalent resonating structures. एकदम simple. Chemistry is so simple, you know. This is your first example. ये मैं offline में भी बहुत बोलता हूँ, chemistry is so simple. ठीक है ना? अभी अगर हम बात करें second example की, we'll take one more example. थोड़ा इसको हम लोग solve करते हैं। अगर मैं इस compound को ध्यान दूँ तो यहाँ पे तो बच्चों रेजोनेंस और बढ़ गया। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, इसमें तो और रेजोनेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो, अगर देखने जाए तो इतना तो था ही, इसमें इसमें और भी पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो कि अगर देखो पाई बॉन्ड एंड द कटायन आर एट डैश पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, इस वाले स्ट्रक्चर की, तो ध्यान देना ये देखिए सर, आप मॉडल मैंने बना के रखे हैं ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं, एक एक चीज को अच्छे से बता सकूं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही आपका ये स्ट्रक्चर कंपाउंड है। देखो ध्यान से, ये वाला CH2 है, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, ये CH है, यहाँ पे वापस सिंगल बॉन्ड है, ये CH है, फिर वापस डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH है, और लास्ट में CH2 है, ठीक है ना। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला और ये वाला पाई बॉन्ड एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। तो स्टूडेंट्स आप बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताइए सर, हम लोग क्या करेंगे, मूव पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी मूव इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स डैश कटायन। सो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कटायन की तरफ मूव कर दिया। अगर मैंने कटायन की तरफ मूव कर दिया तो मैं वहां पे स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, यहाँ पे बना रहा, आप ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, पहले एज इट इज लिख देते हैं, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड का अभी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सी एच ही रहेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जाएगा,
करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अभी इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसको इस स्ट्रक्चर में देखना चाहोगे तो आप बताओ, ये वाले बॉन्ड को मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे रोटेट किया ऐसे, तो ये वाला यहां से जुड़ गया, इसको रोटेट किया जुड़ गया यहाँ पे। अभी आप बताओ किस कार्बन के ऊपर का बॉन्ड गायब हो गया, ये सेंटर में देखो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, देख सकते हो आप डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बीच में ये वाला बॉन्ड पे, ये वाले कार्बन के ऊपर का बॉन्ड गायब हो गया। तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी मैं वापस इसको इधर ले सकता हूँ ऐसे, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आगे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट होगा। अगर इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आप बताओ इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से, ठीक है, और यहां से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये देखो इधर आ गया, अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसके पीछे वाले बॉन्ड को भी शिफ्ट कर दिया हमने। तो अभी आप बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन के ऊपर कुछ नहीं होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट कर दिया ना, तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH इधर डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड के बाद इधर CH, इधर सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2। तो इस कार्बन के ऊपर अभी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसको वापस से रोटेट करता हूँ ऐसे ऐसे, तो वापस क्या होगा बच्चों, यही स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा। सो टोटल इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, ए दिस इज बी एंड ये वाला कौन सा है, सी। सो टोटल हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो ए कॉमा बी एंड सी आर 3 डैश स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट क्या ये और ये डिक्टो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में पॉजिटिव चार्ज थोड़ी, यहाँ पे तो बीच में पॉजिटिव चार्ज है, इसको रोटेट भी करोगे तो ये बनने वाला नहीं है। सो ये इक्विवेलेंट नहीं है। सो ए बी एंड सी आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नॉट इक्विवेलेंट। हाँ, ए और सी इक्विवेलेंट हो सकता है, रोटेट करोगे मिलेगा, बट तीनों के तीनों इक्विवेलेंट नहीं है। इज इट क्लियर, पक्का? सो ये हो गया बच्चों ए बी एंड सी, जिसमें से ए और सी इक्विवेलेंट है, बट क्या बी और ए या बी और सी इक्विवेलेंट है, नहीं। सो दिस कंपाउंड हैज हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाऊं तो यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। ध्यान देना पाई बॉन्ड कहां कहां घूम रहे हैं, यहां पे भी दिख रहा है आपको, ठीक है ना, उसके बाद यहां पे भी दिख रहा है, देख लो, फिर यहां पे भी दिख रहा है और यहां पे भी दिख रहा है, बराबर है। सो यहां पे इक्वली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर हम बात करें तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, उसके बाद में यहां पे भी डेल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और यहां पे भी डेल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डैश, दिस इज द रेजोनेंस डैश हाइब्रिड, ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो स्टूडेंट इस कंपाउंड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग बेंजीन का भी और भी स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन, दिस इज नोन एज बेंजाइल कार्बोकैटायन। इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो बेंजीन के ऊपर CH2+ लगा दिया हमने, तो ये देखो ये आपको दिख रहा होगा बेंजीन, ये ऐसा बेंजीन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और ऊपर आपको दिख रहा होगा CH2, राइट। इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि ये प्लस है, कटायन है। अभी इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है, कैसे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल क्या है, पाई बॉन्ड एंड कटायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ, कटायन की तरफ, तो कटायन किधर है, इधर, इलेक्ट्रॉन किधर है, पाई बॉन्ड के यहां पे है। तो इसको यहां से मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा स्टूडेंट्स, और जैसे मैं इसको यहां से ब्रेक करूंगा इसको यहां से रोटेट करके ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, बराबर है। तो यहां से अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस। तो मुझे था इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ, देखो ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अभी इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो कैसा होगा, रिंग है,
बराबर है, यहां पे कौन सा ये वाला बॉन्ड कैसे शिफ्ट किया हमने CH2 की तरफ, राइट, ऐसे शिफ्ट किया मैंने, आपको मॉडल में भी समझाया। तो आप बताओ यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से तसल्ली से पढ़ना है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस। रूल क्या है, ऑलवेज मूव द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स डैश पॉजिटिव चार्ज। अभी नेक्स्ट अगर मैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता हूँ तो वापस से यही इलेक्ट्रॉन मूव करके तो फायदा नहीं, वापस यही बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पाई बॉन्ड को ऐसे मूव करूंगा, राइट। तो आप बताओ यहां से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अभी क्या करेंगे हम बताइए, इसको ब्रेक करने के बाद इस वाले पाई बॉन्ड को हम ऐसे मूव करेंगे, दिख रहा है सबको, आई थिंक वेरी क्लियर है, और ये भी तो इसका ही पाई बॉन्ड का पार्ट है, इसको भी हम ऐसे मूव करेंगे। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड अभी पैरेलल रहेगा, जो यहाँ पे पैरा पोजीशन है वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या आएगा बच्चों, पैरा पोजीशन पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड पहले से था ही, इस पोजीशन पे क्या आ गया, अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी हम क्या करेंगे, वापस इसको रोटेट करेंगे तो रिटर्न जा रहा है, वैसे ही हो गया। अभी हम बताओ क्या करना चाहिए, ये वाले पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करेंगे, तो यहां से मैंने इसको ब्रेक किया, इसको मैंने ऐसे शिफ्ट किया, देखो बराबर है। तो जैसे ही ऐसे शिफ्ट किया, यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड इस कटायन के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये वाले भी पाई इलेक्ट्रॉन इस कटायन के साथ में क्या करेंगे, ओवरलैप होके बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा देखना ध्यान से, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ऊपर क्या है CH2 है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन को कैसे मूव किया इस तरीके से, है ना। तो इस कार्बन के ऊपर अभी कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आ रहा है, आई थिंक मॉडल से सबको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी ये वाला बच्चा है, इसके पास में तो यही पाई बॉन्ड है, ये वाला रोटेट करेंगे तो वापस यही बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको घुमाएंगे ऐसे ऐसे। तो कैन वी से दैट अगर इसको ऐसे रोटेट किया है हमने, तो वापस से जो हमने स्टार्ट किया था वही स्ट्रक्चर हमको वापस मिल गया, देख लो आप, जो स्टार्ट किया था वही स्ट्रक्चर हमको क्या मिल गया है, वापस मिल गया है। सो दिस इज व्हाट द रेजोनेंस इन व्हाट बेंजाइल कार्बो कटायन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुए ना, तो यहाँ पे क्या आएगा CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया बेंजाइल कार्बो कटायन में क्या, रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद अगर अपन देखें ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, उसमें से फर्स्ट और लास्ट तो बच्चों ऑटोमेटिकली क्या है सेम है, तो वी कैन से इट हैज 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसको मैं अगर एक मान लू, 1, ये 2, ये सी और ये डी, जबकि ई और ए तो क्या है सेम ही है। सो बेंजाइल कार्बो कटायन में भी रेजोनेंस होता है, बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर इक्विवेलेंट होता तो दे वुड हैव बीन मोस्ट स्टेबल, बट क्या इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, नहीं है, ठीक है। विल टेक वन मोर एग्जांपल, नंबर 4। अगर मैं इस कंपाउंड को ध्यान से देखूं, इस कंपाउंड को, ठीक है, तो ये कंपाउंड में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे समझो मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, ये पॉइंट पे कोई डबल बॉन्ड नहीं, ये पॉइंट पे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं, ये पॉइंट पे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ना तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ना ही वहां रेडिकल है, ना ही वहां नेगेटिव चार्ज है, ये सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में रेजोनेंस होता नहीं है, बराबर है। तो ये वाला पाई बॉन्ड अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर दूं, क्यों, क्योंकि रूल क्या है, हमेशा मूव पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स डैश चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूं, तो कैन वी से दैट स्टूडेंट्स, यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, बट ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हुआ ना, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, बराबर है। अभी क्या मुझे था, ये वाले पॉइंट पे कोई कॉन्जुगेशन है नहीं, क्या ये वाले पॉइंट पे कोई कॉन्जुगेशन है नहीं, तो पड़ोसी मदद ही नहीं कर रहा है, पड़ोसी मदद नहीं करेगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज साइक्लोप्रोपीन कार्ब कटायन, इस तरीके का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो हमको ये तो बहुत ही रेगुलरली यूज करना है ये वाला कंपाउंड। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड में, तो इसमें रेजोनेंस होगा, अगर मैं पाई बॉन्ड को किसकी तरफ मूव करूं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, आप ऐसे भी मूव कर सकते थे, आपकी मर्जी, दोनों सेम ही माना जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, सर पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो बचा हुआ कार्बन कौन सा, ये
इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसका और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ट्राई करूं तो सर हो गया ना, और भी होगा क्या? हाँ होगा ना, ट्राई करने में क्या आता है, अगर मैं वापस इसको ऐसे ही घुमा दूं तो, ऐसे घुमाया तो वापस इधर पॉजिटिव आएगा तो सेम ही हो जाएगा, बट अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो, ध्यान देना, तो बताओ क्या होगा स्ट्रक्चर, बताइए। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी आप इस बॉन्ड को कैसे भी घुमाओ, ठीक है ना, कैसे भी घुमाओ, आपको हमेशा इन दोनों में से ही कोई मिलेगा सर। जैसे कि अगर समझो आपने ऐसे घुमाया, ठीक है, ऐसे घुमाया, तो बताओ स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव, तो ये तो हो गया ना सर। अगर ऐसा ना ऐसे घुमाया होता तो, समझो इस तरीके से, तो अगर इस तरीके से घुमाया होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता, तो ये भी तो बन ही गया है। तो इसका मतलब इसमें कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, बट ये तीनों के तीनों जो है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब घुमा फिरा के एक जैसे दिख रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसको घुमाओ कैसे भी घुमाओ तो इसके जैसे थोड़ी दिखेगा। तो यहाँ पे ये ए, ये बी एंड सी, सो दिस कंपाउंड हैज थ्री डैश रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ए बी एंड सी, एंड ऑल आर डैश इक्विवेलेंट। और अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएगा तो इट विल बी हाईली स्टेबल, ठीक है ना, इट विल बी हाईली स्टेबल। सो दिस कंपाउंड इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट अस टेक मोर एग्जांपल, नंबर 6 पर अगर मैं ये वाला कंपाउंड लेता हूं, ये वाला कंपाउंड, ठीक है ना, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें भी कार्बोकैटायन है, ये पाई बॉन्ड है, और कार्बोकैटायन किसमें है, इन कॉन्जुगेशन है, दैट इज एट अल्टरनेट पोजीशन। तो इसका अगर हम बात करें तो आप इस पाई बॉन्ड को भी मूव कर सकते हो या इसको भी कर सकते हो, दोनों को मत मूव करना, वन एट अ टाइम। तो कैन वी से दैट इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये पाई बॉन्ड पोजीशन को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहां पे इन दोनों के बीच में एक क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। एकदम तसल्ली से बना रहे हैं हम लोग। ओके नेक्स्ट, अगर मैं ऐसे करूं वापस इसको ऐसे मूव करूं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, जो बॉन्ड को मूव करके आप आगे बढ़े उसी बॉन्ड को वापस मूव करोगे तो सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। अभी बताओ ये बॉन्ड को अगर मैं ऐसे शिफ्ट करूं तो वापस मुझे साइक्लो पेंटेन मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। फिर अगर मैं वापस इसी को घुमाऊं तब तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि वही स्ट्रक्चर वापस मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को ऐसे घुमाएंगे अभी, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस से आएगा स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं है कि मैं इतना जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुझे तो एक्चुअली प्रैक्टिस हो चुका है अभी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि आपका इतना जल्दी क्यों नहीं बना, तो इट नीड्स डैश, मैंने पहले बोला था इट नीड्स प्रैक्टिस। ऐसे हो गया, आप बताओ कोई भी स्ट्रक्चर सेम नहीं आ रहा है अभी तक, तो सेम नहीं आया, ठीक है ना। तो अभी एक नेक्स्ट वाला अगर हम बात करें, इसको ऐसे घुमा दें तो बताइए क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, तो इधर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इस कार्बन को नंबर कर दूं बेटा ताकि हमको समझने में इजी हो जाए, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, तो 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख गया, 1, 2, 3, 4, 5, 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख गया, फिर 4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख गया, फिर 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख गया, फिर नेक्स्ट कौन सा है, 5 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दिख गया, और ये 3 है, 3 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दिख गया। अभी आप कितना भी ट्राई कर लो आपको वापस से सेम ही स्ट्रक्चर आएगा सर, ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप इसको घुमाओ, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव। आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, देखो यही है, उसे मतलब ही नहीं है सर। अगर हम लोग इसको घुमाते तो, इसको घुमाओगे तब तो यही सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा सर, नहीं आएगा सेम, आप देखो ट्राई कर लो, ये नहीं तो कोई दूसरा आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो था, ये वाला ऐसे शिफ्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, ये देखो ये वाला है ही पहले से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। तो दिस कंपाउंड विल हैव हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि पांचों के पांचों क्या है, इक्विवेलेंट है। सर इक्विवेलेंट कैसे, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये दिखेगा, इसको अगर ऐसे घुमा दूं ऐसे तो ये दिखेगा, ऐसे घुमा दूं तो ये दिखेगा, मतलब एक देखने जाए तो एक जैसा ही है पूरा। तो इसका अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, सो वी विल मार्क एज व्हाट, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, डी एंड ई।
तो टोटल हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। अभी अगर हम बात करें इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें आपको पॉजिटिव चार्ज हर जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो कैन वी से दैट इसमें जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे घूम रहा है और हर जगह पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। तो विल राइट डेल्टा पॉजिटिव ओवर हियर, और हर जगह पे है तो 1/5 भी आप लिख सकते हो क्योंकि सब जगह पे इक्वली बट रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, विल टेक वन मोर एग्जांपल। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की तो ये वाला देखते हैं, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे कार्बन कटायन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। डेफिनेटली बच्चों ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये रेजोनेंस में हमारी कोई मदद करने वाले नहीं है। रूल क्या है, ऑलवेज मूव इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए, मूव किए। तो अगर मूव करने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगा वो कैसे दिखेगा आपको, ये देखिए इस तरीके से होगा, करेक्ट। यहाँ पे आपको कौन सा बॉन्ड दिखेगा, डबल बॉन्ड। ये वाले डबल बॉन्ड को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है तो मुझे तक किस कार्बन को फर्क पड़ रहा है, फिर ये वाले को। तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, क्यों, क्योंकि चार्जेस को मूव होने मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं एक जगह पे बिठा के रख दिया जाए तो बोल रहे हैं मूव ही नहीं होना है। लॉकडाउन में सबका बहुत हालत खराब हुआ था क्योंकि हमको घूमने ही नहीं मिल रहा था बाहर, तो सब लोग ने प्लान बनाना चालू कर दिया। लॉकडाउन खत्म नहीं हो उसके पहले, ये खत्म होते मैं तो इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। उसका रीजन क्या है, आपको जितना मूवमेंट करने के लिए स्पेस मिलेगा उतना ज्यादा आप क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। तो आप बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी आगे पॉसिबल रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो पड़ोसी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप बताओ इस कंपाउंड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, ठीक है। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और अगर आपको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड पूछा जाए तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस टाइप का दिखेगा जो इसका रियल स्ट्रक्चर होगा। आप बताओ पाई बॉन्ड इस पॉइंट से लगा के इस पॉइंट तक घूम रहा है, सिर्फ इधर ही घूम रहा है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड इस तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट से बस खत्म। तो आप बताओ पॉजिटिव चार्ज आपको ये कार्बन पे देखने को मिला, फिर ये कार्बन पे देखने को मिला और ये कार्बन पे देखने को मिला, और कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिला नहीं। तो स्टूडेंट दिस कंपाउंड विल हैव हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो और भी और एग्जाम्पल्स है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। आई थिंक धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सर हम इनको कैसे प्रैक्टिस करें, आप क्या करिएगा ये लेक्चर पूरा देखने के बाद, ये जितने भी कंपाउंड है खाली स्टार्टिंग लिखिएगा और रफ पेपर पे इनके स्टार्टिंग लिखिए, जैसे इसका स्टार्टिंग ये, इसका स्टार्टिंग, फिर इसको प्रैक्टिस करिएगा। एक दो बार आपके रॉन्ग आएंगे, 3-4 बार रॉन्ग आएंगे, बट डेफिनेटली स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर करके आपको ये कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर लेक्चर्स में पूरा ऑर्गेनिक समझने के लिए इस कंसेप्ट का आना आपको बहुत ही जरूरी है। तो ऑफलाइन में भी मैं स्टूडेंट्स को बहुत बार बोलता हूँ कि आप लोग इसको मेरे सामने ही प्रैक्टिस करो, अभी भी मैं आपको वैसे ही बोलूंगा क्योंकि मैं तो ये वीडियो लेक्चर इसी तरीके से बना रहा हूँ जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हो, और मैं आपको जब भी बोलता हूँ वीडियो पॉज करके आप ये काम करिए तो आई एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वो कर रहे हो और उसी से आपका बेस्ट रिजल्ट भी आएगा। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। दैट इज टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन में नंबर 1 पाई बॉन्ड एंड कटायन एट डैश पोजिशन ऑल्टरनेट पोजिशन। आप इसका फोटो ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ये वाला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें यहाँ पे भी एक आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। ये दो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो आपको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। रूल क्या है, मूव द इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो कैन वी से दैट ये वाला बॉन्ड हम इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो अभी तो बेस्ट है, आप कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए, देखिए आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। एटलीस्ट एक एक स्ट्रक्चर बना के ट्राई करिए। अगर हम इसके नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर होगा उसमें हमने इस वाले बॉन्ड को तो डिस्टर्ब नहीं किया सर, इसको भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो कैन वी से दैट यहाँ पे क्या बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। तो कहने से यहाँ पे फर्क पड़ा, देखो अभी आने लगा आपको भी धीरे धीरे। आई होप आप लोग ने भी ऐसे ड्रॉ किया होगा,
नहीं क्या सर, गाओ जाओ कुछ सब लोग। जस्ट किडिंग। नाउ टेल मी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? यही बॉन्ड को वापस घुमा के तो कोई मतलब नहीं, नहीं तो वापस वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे बताओ? सर हम लोग इस वाले बॉन्ड को घुमाएंगे, तो इस वाले बॉन्ड को घुमाओगे तो बाकी सब पहले ना एज इट इज जितना दिया उतना ड्रॉ कर लो, ठीक है ना? उससे आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखो इसने कोई डिस्टरबेंस नहीं, इस वाले पार्ट में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, इसका पॉजिटिव गायब हो जाएगा। अभी बताओ ये वाला कार्बन बच गया, देख लो, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ऐसे करना है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर की, तो नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो ऐसे घुमाएंगे इसके तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही पाई बॉन्ड को रोटेट करना है, आपको मूव करना है। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? CH2 आएगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये वाले कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाले कंपाउंड के अंदर टोटल कितने? चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, ए बी सी एंड डी। सो देर आर फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आपको कोई इसका रेजोनेंस हाइब्रिड पूछ ले कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो इस कंपाउंड का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, देखना आराम से, ठीक है? आप भी सोचो जरा, यहाँ पे CH2 है, करेक्ट? आप बताओ पाई बॉन्ड यहां से लगा के यहां तक घूम रहा है, तो कहना इसे यहां पे सब जगह पे आपको ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे था तो डेल पॉजिटिव, क्योंकि इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव और यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव और यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव। सो दिस कंपाउंड विल हैव हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5 की 4, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द रेजोनेंस व्हाट हाइब्रिड। नेक्स्ट अगर हम लोग कंपाउंड लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2। अब ये बोरॉन कैसे आ गया? सबको पता होगा कि बोरॉन जो है यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहे हैं, बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका जो 2pz ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है? तो मैं आपको एक और ट्रिक देता हूँ आज के लेक्चर में, कि जब भी आपको BH2 दिख जाए, समझ लो साथ में किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो समझ जाना वो कार्बो कटायन ही है। क्या है? कार्बो कटायन। तो इसका जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ये खाली पी ऑर्बिटल जो है वो इसका ही काम कर रहा है, किसका? वेकेंट पी ऑर्बिटल का। तो ये कार्बो कटायन के जैसे ही काम कर रहा है, तो अगर ये यहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा? बताओ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बताओ इधर क्या आएगा? CH2, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, क्या आएगा? BH2। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसके लिए, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ओवरऑल चार्ज देखो, इसका ओवरऑल चार्ज देखने जाए तो 0, प्लस माइनस 0, और ये वाले पे भी कोई चार्ज नहीं है तो प्लस, इसमें तो 0 ही है। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ए एंड बी। सो देयर आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ए एंड बी। और अगर आपको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड पूछा जाए, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो इस तरीके का होगा, जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी दिख रहे हैं और यहाँ पे भी दिख रहे हैं, इस तरीके से। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो वो है बच्चों, बहुत ही इजी है, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस टाइप का एग्जाम्पल, 6 मेंबर रिंग में कर चुके हैं, ये वाला कंपाउंड, बराबर? इस कंपाउंड की बात करें तो क्या ये कार्बन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये तो sp3 है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ऐसे, करेक्ट है? तो आप बताओ क्या होगा? बिकॉज हमारा रूल क्या बोलता है, हमेशा मूव इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। सो दीज आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ए एंड बी। अगर हमको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड पूछा जाए तो RH, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो किस तरीके का होगा? पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है? इस पोजीशन से लगा के इधर तक है, तो सब जगह पे ऐसे डॉटेड डॉटेड बनाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेल पॉजिटिव और यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सो दिस इज वेरी स्टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ऑफलाइन लेक्चर्स में भी मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है,
इसको ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी कि आप वीडियो को पॉज करिए, इसको अटेम्प्ट करिए, मैं आपको एक एरो बना के देता हूँ, फिर उसके बाद आप अटेम्प्ट करिए। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपकी मर्जी, सिर्फ एक ही एरो मूव कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप इसका, इसको वीडियो को पॉज करिए और इसके जितने बना सकते बनाइए, ठीक है, जितने आप ड्रॉ कर सकते हैं, इवन ऑफलाइन में भी सेम ही करता हूँ, जितने स्टूडेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। चलिए मैं कोई वीडियो एडिट करने वाला नहीं है कि इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, मैं ऐसे ही लेक्चर लूंगा जैसे ऑफलाइन में ले रहा हूं, ताकि आपको भी दिखे कि एग्जैक्टली हमने इनको कैसे ड्रॉ किया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, आई होप आप लोग ने ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात तो इन दोनों को कोई डिस्टर्बेंस हुआ नहीं, इससे ऐसे ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड, ये वाले पॉइंट पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। टोटल इसमें कितने कार्बन है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो फर्स्ट के ऊपर तो चार्ज आ गया, फिर सिक्स पे भी आ गया, देख लो सिक्स पे भी आ गया। अभी आप बताओ, वापस से इसी बॉन्ड को घुमा के तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं इस बॉन्ड को ऐसे घुमा सकता हूँ, यस और नो? तो कहने से इन दोनों ने कोई डिस्टर्बेंस दिया क्या आपको, नहीं, ये सेम, यहाँ पे भी सेम है ना। इधर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। फिर वापस इसको घुमा के तो कोई फायदा नहीं है, तो इस वाले पाई बॉन्ड को अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो आप बता, इन दोनों ने तो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, सेम सेम, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जरा देख लेते हैं, ये दोनों तो मैंने कैंसिल कर दिया था, ये वाला पोजिशन कौन सा है बच्चों, फोर्थ है, तो फोर्थ में भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला पोजिशन कौन सा है, टू, तो टू के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर क्या करें, ये वाले पाई बॉन्ड को घुमा के मतलब नहीं, क्योंकि वो तो सेम ही स्ट्रक्चर देगा, इस वाले पाई बॉन्ड को घुमाओ, सर सेम आएगा ना, देखो ट्राई करो पहले, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड था ही, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड था, इधर देखो प्लस आ गया, ये तो पोजीशन नंबर 7 है, तो पोजीशन 7 पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। फिर नेक्स्ट अगर मैं ये वाले पाई बॉन्ड को ऐसे घुमाऊ तो सर्कल में घुमा रहा है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लाइन से जा रहे अपन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे, ठीक है, स्टिक टू योर बेसिक्स। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा पोजीशन है, 5, देखो 5 पे भी आ गया, अभी डेफिनेटली 3 पे आएगा, ठीक है, आप श्योर मान लो, देखो भले ये अगर आप घुमाते हो ऐसे तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप बताओ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी आप रोटेट करोगे ना वापस से तो आपको हमेशा सेम स्ट्रक्चर आएगा, जैसे अगर देखो अगर मैं ये रोटेट कर दूं तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा जो कि ऑलरेडी है, ठीक है, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो अब तो ये सेम ही बनेगा जो पहले था, तो इसका मतलब इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, यू नो, 1 2 3 4 5 6 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सबके सब एक जैसे, ये देख लो आप, इसको अगर मैं थोड़ा ऐसे घुमा दूं, इस पोजिशन, इस पॉइंट को अगर यहां तक तो घुमाओ ऐसे, तो यही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब दिस कंपाउंड विल हैव हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 7, A B
सी डी ई एफ एंड जी. सो दिस कंपाउंड हैज सेवन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अगर मैं आपको पूछूं क्या सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, हाँ, तो इसका मतलब इक्वली डिवाइड हुआ है. तो 1/7 सबके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो 1/7 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सोचो स्टूडेंट, साथ साथ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जहां दो आ रहे थे हम इतने खुश हो रहे थे, यहाँ पे तो सेवन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं. सो दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी हाईली स्टेबल. और इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसका नाम है ट्रोपाइलियम. इधर लिख लेता हूं, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन. ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और बाद में जब हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी कि ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक है. और इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है, बिकॉज ये एरोमेटिक भी है और इसमें सेवन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आ रहे हैं. सो विथ दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट केस, दैट इज नंबर वन कौन सा, पाई बॉन्ड एंड कैटायन एट अल्टरनेट पोजिशन. एक आध एग्जाम्पल और है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद पाई बॉन्ड एंड अनायन या फिर रेडिकल डिस्कस करेंगे. तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स डिस्कस द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन. आपको मैं पहले बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट और सेकेंड है इसमें ही हमको टाइम लगेगा, फिर बाद में के जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे क्योंकि हमको फिर टेक्निक आ जाएगा. ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल्स है, इसके लिए मैं इनको इतना टाइम भी दे रहा हूँ, बाद में इतना टाइम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बिकॉज हमको कंसेप्ट फिर आता होगा और हमारा काफी स्पीड भी बढ़ चुका होगा. ठीक है, तो देखिए ये वाला एग्जांपल, इसमें आपको दो दो जगह पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस साइड में मूव करो. आप इस पाई बॉन्ड को मूव तो करना है पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही, इतना तो कन्फर्म है रूल्स. आप ऐसे भी मूव कर सकते हो आपकी मर्जी, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी, आधा आधा तो मूव नहीं कर सकते. तो अगर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तो फिर नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एकदम सिंपल. फिर अगर मैंने ऐसे किया है तो नेक्स्ट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए. आप प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो पॉज करके, जितने बना सकते हो बनाइए. इस पॉजिटिव चार्ज को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, तो पहले ये ड्रॉ कर लेता हूँ. अगर मैं इस वाले पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो बचा कौन सा कार्बन, ये वाला, ऐसा एक स्ट्रक्चर हो जाएगा. फिर क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को वापस ऐसे घुमाएंगे हम लोग. अगर मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, सो टेल मी, सेम तो अभी तक आया ही नहीं है. ये पाई बॉन्ड को ऐसे मूव किया तो इसमें तो इसका कोई रोल ही नहीं है. ठीक है, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड. देखो इतना तसल्ली से चीजें पढ़ रहे, तो फिर बाद में आपको कभी भी पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे. इसी तरह फिर क्या करेंगे हम लोग, इस पाई बॉन्ड को ऐसे घुमाएंगे. तो जब आप लोग इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो आप बताओ क्या आपको वापस से रियल स्ट्रक्चर वापस सेम मिल रहा है. देखो अगर हम इसको तो डिस्टर्ब ही नहीं किया हमने, ऐसे घुमा रहे हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये देखो प्लस. तो क्या फर्स्ट टाइम ये वाला सेम आया कि डिफरेंट आया, सेम आया. सर अगर हम लोग ऐसा नहीं घुमाते, अगर सब जो ऐसे घुमाते तो ऐसे, तो अगर ऐसे घुमाते तो बताओ क्या होता था फिर. अगर ऐसे घुमा रहे समझो, ऐसे ना घुमाते, ऐसे घुमाया होता तो इसको तो कोई लेना देना ही नहीं था. ठीक है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था, फिर यहाँ पे क्या आया था पॉजिटिव, तो ये भी तो बन ही चुका है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, इनका क्या हो चुका है अभी, अंत हो चुका है. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस कंपाउंड विल शो हाउ मेनी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ये इक्विवेलेंट ही तो है, चार इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ए बी सी एंड डी. सो ए बी सी एंड डी, सी एंड डी आर फोर इक्विवेलेंट, दे आर फोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ये चारों के चारों क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है. तो ये हो गया आपका केस नंबर वन फिनिश, पूरी तरीके से मैंने डिटेल में समझा दिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेकेंड वन, दैट इज पाई बॉन्ड एंड ऑल्टरनेट, सॉरी पाई बॉन्ड एंड अनायन एंड ऑल्टरनेट पोजिशन. तो यहाँ पे जगह यहीं से शुरू करते हैं, पाई बॉन्ड एंड अनायन एट डैश पोजिशन स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेट पोजिशन.
पाई बॉन्ड एंड अनायन एंड ऑल्टरनेट पोजिशन। अगर मैं इस वाले कॉन्जुगेशन की बात करूं तो जहां आपको पहले कटायन दिख रहा था, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा था, अभी वहां पे क्या दिखेगा आपको, नेगेटिव चार्ज दिखेगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन भर भर के है पहले से। तो स्टूडेंट्स इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमने वहां पे पढ़ा था वैसे ही एग्जांपल, अलाइल कार्बो कटायन लिया था, अभी अलाइल कार्ब अनायन ले लेते हैं। सर इस केस में ट्रिक क्या है, इस केस में ट्रिक यह है कि मूव नेगेटिव चार्ज, मूव नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की तरफ आपको नेगेटिव चार्ज को मूव करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ मूव करता हूं, ठीक है ना, तो कैसे मूवमेंट होगा देखो ध्यान से देखना। ये वाला नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे मुझे एक बात बता, ये कार्बन क्या बोलेगा, ये कार्बन बोलेगा मेरे ऊपर पांच बॉन्ड हो जाएंगे। कैसा, कैसे पांच, इस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी चार बॉन्ड है, कैसे, एक दो तीन और एक हाइड्रोजन, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, चार। लेकिन जैसे ही यहां से एक और बॉन्ड आएगा इस कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड हो जाएंगे, पांच। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से फिर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, रेडी। तो अभी आप बताओ इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो क्या होगा जरा बताइए। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, इसके ऊपर CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH और इधर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा CH2 और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा आपका माइनस वाला चार्ज। सो अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। सो ए एंड बी आर डैश इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और अगर मुझे इसका किसी ने अगर रेजोनेंस हाइब्रिड पूछ लिया तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा बच्चों, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो ऐसे होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, नेगेटिव चार्ज इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, तो कहने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में, इसके ऊपर भी नेगेटिव था डेल नेगेटिव, जहां पे हम लोग पहले डेल पॉजिटिव बनाते थे अभी डेल नेगेटिव बनाएंगे, तो इसके ऊपर भी डेल नेगेटिव, सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस करें इस कंपाउंड के लिए या इस रेजोनेंस के लिए, तो वो है जो हमने वहां पे भी पढ़ा था कार्बो कटायन के केस में। सेकेंड एग्जाम्पल इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इस CH2 के ऊपर क्या माइनस का चार्ज, इस CH2 के ऊपर हम लोग ने माइनस का चार्ज दिखा लिया है। तो आप बताओ क्या बता, ट्रिक क्या है, पहली बात तो ये क्या है, पाई बॉन्ड एंड अनायन एट डैश पोजीशन ऑल्टरनेट पोजीशन। तो ये वाला बॉन्ड अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बताइए इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, इस वाले बॉन्ड को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो यहाँ पे CH के ऊपर माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए इसके। फिर ये वाले बॉन्ड को अगर मैं यहां से यहां पे शिफ्ट करूं, ये नेगेटिव चार्ज को अगर मैं यहां से यहां पे शिफ्ट करूं, तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या CH2। सो इस कंपाउंड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, तीन, और जो कि इक्विवेलेंट नहीं है, सो ए बी एंड सी, इसके तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे, बट ए और सी तो है वो इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेंजाइल कार्बोनाइन की, ये वाला जहां पे हम लोग ने पहले CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज दिखाया था, प्लस चार्ज दिखाया था, अभी माइनस चार्ज दिखा रहे, तो मुझे था ट्रिक क्या है, नेगेटिव चार्ज को मूव करोगे किसकी तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ, तो इस तरीके का होगा, अभी पहले इधर से ऐसे जा रहा था, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन से वाले पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आएगा CH2 हो गया, इतना ईजी है। फिर क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना, तो ऐसे मूव करूंगा तो ये तो ऊपर जाएगा, मतलब ही नहीं है, फिर ये तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना, तो सेम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, फिर ये वाले को इधर अंदर शिफ्ट किया तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो बताइए इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये मम्मी को रोटी बनाते हुए देखने जैसा है,
ठीक है, आप अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जग सुना सुना लगेगा, ऐसा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज को अंदर शिफ्ट किया हमने, तो ये वाला यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे डबल बॉन्ड जो पहले डिस्टर्ब नहीं हो रहा है उसको एज इट इज ड्रॉ कर लो। फिर ये वाले नेगेटिव चार्ज को अगर मैं अंदर शिफ्ट करता हूँ तो ये वाला वापस फाइनली इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये तो इसका मतलब जो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, फर्स्ट स्ट्रक्चर था, उसकी जैसे ही हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 के ऊपर वापस कौन सा चार्ज? माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो कितने अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, टोटल इसमें कितने आएंगे? चार, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट तो क्या है, सेम है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल तो ये वाला लेते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें भी कार्बो कटायन लिया था हमने, अभी कार्ब अनायन लेंगे। रूल क्या है बच्चों? नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ मूव करना है, तो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे तो ये वाला इस तरीके से इधर आ जाएगा। तो बताइए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। बताइए यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो माइनस का चार्ज, ठीक है। फिर इस वाले नेगेटिव चार्ज को हमने पाई बॉन्ड की तरफ मूव किया तो ये ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ये वाला ही होगा, इधर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबके ऊपर एक एक बार नेगेटिव चार्ज आ चुका है, अभी वापस आप ड्रॉ करोगे तो इन तीनों में से कोई आने वाला है। तो इसके तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। सो देयर आर थ्री इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये वाला एग्जांपल जगह कम है, ये छोटा वाला ले लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे बड़ा वाला एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये वाला कटायन था तो हम लोग इस पाई बॉन्ड को ऐसे मूव करते थे, बट रूल क्या है नाउ? रूल है मूव नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स डैश पाई बॉन्ड। तो नेगेटिव चार्ज ये रहा, इसको पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा वाला बॉन्ड? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नहीं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस। ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इज इट क्लियर? तो अभी हमने इसके कितने डिस्कस किए एग्जाम्पल? पांच एग्जाम्पल डिस्कस किए, और भी चार पांच एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस वन, जो हमने कार्बोकैटायन में भी डिस्कस किया था, अभी कार्बन आयन में डिस्कस करेंगे। रूल है नेगेटिव चार्ज को किसकी तरफ? पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। सो अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को इसकी तरफ भी मूव कर सकता हूँ, इसकी तरफ भी मूव कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, आप भी जो चाहो कर सकते हो, दोनों साइड में मत मूव करना, बस इतना दिमाग में रखना, ठीक है। सो बताओ इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? इस तरीके का बनेगा स्ट्रक्चर, जो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है उसको एज इट इज बना लो पहले। ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इधर डबल बॉन्ड आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो पहले यहाँ पे था, अभी वहां पे आ गया, बस ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ट्राई करूँ तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके ट्राई करो बच्चों, चलो चलो ट्राई करो एकदम, राम भरोसे मत बैठो, हंसो मत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई होप आप लोग ने ये वाला ड्रॉ किया होगा। तो मतलब इसको कोई फर्क पड़ा नहीं, तो अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसको जाना भी तो पड़ेगा ना। तो आप बताओ यहाँ पे कोई फर्क पड़ा नहीं, इधर डबल बॉन्ड आएगा इस तरीके से, तो फिर यहाँ पे क्या? नेगेटिव चार्ज। फिर ये वाला अगर अंदर शिफ्ट हो रहा है ऐसे, तो इस भाई साहब को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, यहाँ पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, करेक्ट। फिर अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को अंदर शिफ्ट करता हूं तो ये वाला बॉन्ड यहां से यहां पे शिफ्ट, तो बताओ इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा वो कैसे होगा? ऐसे, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज। अभी नेगेटिव चार्ज वन पे भी हो गया, टू पे भी हो गया, थ्री पे भी हो गया, फोर पे भी हो गया, फाइव पे भी हो गया, अभी कोई पोजिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करते हो तो 101% इनमें से ही कोई वापस आ जाएगा। सो दिस कंपाउंड 1 2 3 4 5, इट हैज फाइव इक्विवेलेंट, फाइव इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। सो ये बाद में हमको आएगा बेटा, ये कंपाउंड भी अरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, इफ यू टेक ये वाला एग्जांपल देखिए सब लोग,
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग ये वाला, जिसमें यहाँ पे CH2 के ऊपर माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन हो गया, और ये आपका अल्डिहाइड वाला पार्ट है CHO, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया, इतना तो था ही, इधर एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके लिए इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या मालूम क्या बोलते हो सर आप, केमिस्ट्री की लैंग्वेज हमको समझ में ही नहीं आती, इतना तो इजी बोला, एक्सटेंडेड मतलब और जितना एक्स्ट्रा हो गया ना, अभी समझते हैं फिर भी नाटक करते हो तुम लोग, मुझे मालूम है। ये वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड पे सिग्मा ये तो नहीं होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है बच्चों। तो आप बताओ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बोलो, यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, क्या आएगा H आएगा। रूल के हिसाब से वापस नेगेटिव चार्ज को अगर मैं ऐसे मूव करूं तो ये वाला इधर आएगा, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री इज सो सिंपल आपके लिए सर, हमारे लिए नहीं, अभी इतना तो सिंपल कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप अगर केमिस्ट्री मेरे साथ पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर हूं कि आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा, बराबर है यहाँ तक सर। ये नेगेटिव चार्ज ये कॉर्नर पे आ गया ना, अभी मेरे पास दो ऑप्शन है सर, कौन से मैं चाहूं तो ये वाले पाई बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, चलो इसको एक काम करते हैं और अच्छे से बनाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज मैंने अंदर के साइड में बना दिया, चलो रेडी। ये नेगेटिव चार्ज को मैं ऐसे भी शिफ्ट कर सकता हूं, बराबर है, ताकि ये वाला पॉइंट फिर ऊपर चला जाए, बराबर है। तो यहां पे मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से शिफ्ट करने से क्या होगा, यहां पे जहां पे पहले कॉन्जुगेशन होता ही नहीं था वहां पे भी कॉन्जुगेशन आ गया, तो यहां पे एक्स्ट्रा क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, तो यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सी ओ के ऊपर माइनस का चार्ज, और यहां पे एच आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, मैं इस वाले को ऐसे भी शिफ्ट कर सकता था और ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता था, तो कहने से बेटा ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया ये वाला, ठीक है ना। बेगानी शादी में, यस वेरी गुड, अब्दुल्ला दीवाना जैसा सीन हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है, इसका कोई लेना देना ही नहीं था, ये भी पिक्चर में आके रेजोनेंस करके चला गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये वाला तो जिसम था वैसे ही रहेगा, ठीक है, अभी हमने ये वाले एरो को देखना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और इधर माइनस आ जाएगा। फिर अगर मैं क्या करूं, इस वाले को अंदर शिफ्ट करता हूं, ठीक है ना, आप प्लीज कलर पेन पेंसिल यूज करिएगा, देखो मैं भी कितना एफर्ट्स लेके कलर चॉक्स यूज कर रहा हूं, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी एच टू के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो क्या आएगा, एच आएगा। So can we say that इसके अगर 1, 2, 3, 4 ही resonating structures थे, क्योंकि ये और ये तो दोनों सेम ही है, तो इधर एक एक्स्ट्रा आ गया 5, तो स्टूडेंट इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी और थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ ये क्या था, नेगेटिव चार्ज था कि पॉजिटिव चार्ज था, सर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब होता है, जब उसको भगाने वाला मिलता है, और देखो ये अल्डिहाइड, याद है फरहान सलोन्स कार, फरहान साइंस सलोन्स कार, तो ये देखो अल्डिहाइड वाला आ गया, तो ये भगा रहा है कि नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, देखो अगर वो इलेक्ट्रॉन को खींचा मतलब नेगेटिव चार्ज को एक्स्ट्रा घूमने मिल रहा है, और एक्स्ट्रा घूमने मिलेगा तो और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सर नहीं समझा, अरे सिंपल है ना बच्चों, अगर आपने खाना खा लिया है, ठीक है, और पापा ने बोला चलो आज थोड़ा घूम के आते हैं बाहर, ठीक है ना, कार में सब लोग घूमने गए, आइसक्रीम आइसक्रीम खिलाया, फिर पापा का मूड थोड़ा और चेंज हो गया, चलो और एक थोड़ा लंबा राउंड मार के, तो सब लोग खुश हो जाते, चलो अच्छा है, फिर घर पे आके आराम से जाके सो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स थोड़ा और एक्स्ट्रा घूमने मिला तो थोड़ी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी बढ़ने का कारण क्या है, ये एल्डिहाइड, जिसकी वजह से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, और इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल अभी आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा, ठीक है, ये वाला एग्जांपल सर, ये तो हमने डिस्कस किया था, वो कटायन वाला था ना बच्चों, ये दोनों कौन सा है, अनायन वाला है, ठीक है, इसको ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, हो गया, चलिए देखते हैं फिर। अभी अगर हम बात करें तो रूल क्या है, नेगेटिव चार्ज को किसकी तरफ मूव करना है, पाई बॉन्ड की तरफ, नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ मूव करना है। जब भी हम लोग फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे थे तो हमको क्या करना था, वहां पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करना था, रेडी,
चलो अगर हम ध्यान से देखें तो बताइए इसका रूल्स क्या है। चलो कोई भी एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, आपकी मर्जी, ये ले लेते हैं, इसको शिफ्ट किया तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव पहले से था, इधर एक नेगेटिव आ गया है ना। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस नेगेटिव को अंदर शिफ्ट किया तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अभी आप बताओ नेक्स्ट अगर हम लोग इस वाले को अंदर शिफ्ट करें तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो बताइए आंसर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले से था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे एक्स्ट्रा पाया। फिर क्या करोगे, अभी आएगा सेम, अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करता हूँ, जस्ट इमेजिन करो, तो ये वाला ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर माइनस, ये देखो ये रहा, डिटो सेम आएगा। सर तो इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, सेम ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा करें तो, सर ऐसा करें तो, अगर आप ऐसे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, ये देखो ऑलरेडी है, तो कोई मतलब नहीं है। सो दिस कंपाउंड विल हैव हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो दिस कंपाउंड हैज फोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच आर हाईली स्टेबल। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाला, आप लोग वापस से वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को, ठीक है, बहुत ही सिंपल वाला एग्जाम्पल है, इसको आप अटेम्प्ट करिए। चलिए, आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। तो देखिए नेगेटिव चार्ज को किसकी तरफ मूव करना है, पाई बॉन्ड की तरफ, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे वापस से डबल बॉन्ड, करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को अंदर शिफ्ट करेंगे और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो कैन वी से दैट नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके का होगा। तो बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अभी आगे जा ही नहीं सकते बिकॉज ये दोनों कौन से कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये पड़ोसी हेल्प करने वाले नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। अगर मैं बात करूं फेनोक्साइड आयन की, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जब हम लोग फेनॉल चैप्टर पढ़ेंगे तब हमको ये काम आएगा, फेनोक्साइड आयन, करेक्ट है। तो फेनोक्साइड आयन में अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे भी अनायन है, पाई बॉन्ड एंड अनायन है, डैश पोजिशन, ऑल्टरनेट पोजिशन। तो कैन वी से दैट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे और ये ऐसे हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ट्राई करो आप लोग। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, वो आएगा। फिर इस वाले बॉन्ड को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये वाला यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो इस टाइप का हो जाएगा। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होना ही होना है, ठीक है ना। जनरली ऑफलाइन में क्या देखा जाता है, 2-3 एग्जाम्पल देके इसको खत्म कर दिया जाता है, वैसे हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे, तसल्ली से एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, ताकि आपका लेक्चर देखते देखते ही इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि जब आप रिविजन करने बैठो तो आपका बहुत ही टाइम बचेगा। तो ये वीडियो लेक्चर्स का एक ही इंटेंशन है कि आपका कंसेप्ट साथ में क्लियर कर दिया जाए। ये अगर शिफ्ट हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अभी आप पता है इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इस टाइप का, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ के ऊपर माइनस। तो ये तो फर्स्ट और लास्ट जैसा क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास में यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अभी क्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट मैंने क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर तो बना दिया है। क्या बना दिया है, लोन पेयर। तो स्टूडेंट डेफिनेटली क्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट देता है, बट रेजोनेंस के केस में उसका इफेक्ट क्या आएगा, प्लस एम, दैट इज प्लस आर, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा ये, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन देगा रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस के लिए, ठीक है। तो आप बताओ इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसा टोटल चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। अभी ये देखो ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये अंदर शिफ्ट होगा तो ये ऐसे हो सकता है,
सर ये पॉजिटिव चार्ज लास्ट में खत्म हो जाएगा जब अपन रिटर्न आएंगे यहाँ पे, तो इसका अगर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, सीएल के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। लोन पे अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, ये बॉन्ड को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा, इस टाइप का होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड क्या, सी एल के ऊपर प्लस। फिर फाइनली क्या करेंगे, इस वाले को अंदर शिफ्ट करेंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, सेम जो हम लोग ने स्टार्टिंग में लिया था वही कंपाउंड वापस हमको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वापस लोन पेयर मिल गया। सो दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, बट यहाँ पे रेजोनेंस की बात करें तो वो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट और माइनस आई, और यहाँ पे सॉरी प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और प्लस आर भी दे रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, ये भी देखो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है बराबर, OH रहेगा तो, बट वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होगा। तो अगर हम लोग इसी कंपाउंड को ऐसे ना लिखते हुए, ऐसे ना लिखते हुए अगर हम इसको ऐसे लिखे OH, which is also known as phenol, है ना, क्या देखा जाता है इसको, phenol, तो ये phenol का भी तो लोन पर अंदर जा सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे OH और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा बच्चों, प्लस, और फाइनली जब वापस उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये OH हो जाएगा इस तरीके से। सो दिस इज द रेजोनेंस इन विच वी हैव व्हाट व्हाट पाई बॉन्ड एंड अनायन एट डैश पोजीशन, ऑल्टरनेट पोजीशन। तो थोड़े से एग्जांपल्स और है, थोड़े क्वेश्चंस भी है, एक दो डिस्कस करेंगे, वी विल वाइंड अप। अब इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो दो और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम लोग प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो जेई में और नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए, ठीक है। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है ना, ठीक है, जो कोई नेगेटिव चार्ज एंड ऑल दैट नहीं है, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर ही मान के चलो, क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही है, डोनेट किए जा सकते हैं, ठीक है। आप बताओ एनिलीन के अंदर जो ये लोन पेयर है, अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर दूं तो ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को मान के चलो सेम ही है बेटा रेजोनेंस में, ताकि आपको कंसेप्चुअली तो क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। देखिए यहाँ पे तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, NH2 हो जाएगा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इधर आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया। फिर क्या करेंगे सर, इसको तो भूल जाओ तो लास्ट में खत्म हो जाएगा, अभी सिर्फ नेगेटिव चार्ज को रोटेट करो, इसका मतलब एनिलीन के अंदर NH2 जो है वो भले ही माइनस आई इफेक्ट देता है, माइनस आई, बट रेजोनेंस के टाइम में प्लस आर दे रहा है, प्लस आर मतलब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का होगा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आएगा, NH2 आ जाएगा इस तरीके से। फिर नेक्स्ट ये तो वापस इधर जाओगे तो सेम ही मिलेगा, तो आपको इस तरीके से आना है। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इस तरीके का बराबर है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2, N के ऊपर क्या चार्ज, प्लस चार्ज, और फाइनली जब ये वाला नेगेटिव चार्ज वापस अंदर जाएगा तो ये बॉन्ड इसको वापस मिल जाएगा। तो बताइए आंसर, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आएगा आपका वापस से एनिलीन। तो मैं आपके एक सिंपल सा सवाल पूछूं, सर पूछो, आप हमारे सर हो पूछ सकते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एनिलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सर चार, पांचवा तो सेम ही है ना, चार में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीन में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज दिख रहा है, जो दिखावटी अमीर है, दिखावटी अमीर है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बट रियल में देखने जाए तो चार में से, इसको भूल जाओ क्योंकि ये तो सेम है, चार में से तीन बार तो उसके ऊपर पॉजिटिव है, मतलब अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन मांगने गया
तो क्या बोलेगा, मैं देता हूं, जिसमें से 3 बार तो वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव खुद भिखारी बन के बैठा है और चौथी बार उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या वो किसी को इजीली दे सकता है? नहीं देगा। तो कैन वी से दैट ये इजीली नहीं दे सकता, तो क्या ज्यादा बेसिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज्ड नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो उसके उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या होएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना, अगर कभी भी गलती से भी इलेक्ट्रॉन क्या है, लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज हो रहा है, मूव कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिलीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम क्यों है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने के बावजूद भी, तो उसका एक ही कारण है कि वो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज है। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का जो नाम है वो एनिलीन था, और एनिलीन का कम बेसिक होने का कारण क्या है, क्योंकि उसका खुद का लोन पेयर खुद के काबू में नहीं है, तो घूमते जा रहा है बेटा। ठीक है ना, तो खुद का लोन पेयर खुद के काबू में नहीं है, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो याद रखना, अगर कभी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है तो इससे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम। अभी अगर मैं इस कंपाउंड की भी बात करूं, इसका नाम है पायरोल। ठीक है, क्या नाम है इसका, पायरोल। तो मैंने ये सब आईयूपीएसी में सीखा है। अगर ये ऐसे शिफ्ट होता है, ऐसे भी हो सकता था, तो ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, ठीक है ना, एन यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे डबल, करेक्ट। फिर अगर मैं इस वाले नेगेटिव चार्ज को अंदर शिफ्ट करूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो बताओ इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा? देखने में तो अगर हम लोग फर्स्ट देखे, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, बस इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, अभी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है। अभी यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड बना दिए, 4 बॉन्ड बना दिए कि नहीं बना दिए। तो देखने में तो नाइट्रोजन बहुत अमीर लग रहा था, लेकिन निकला भिखारी। तो बताओ अभी ये बॉन्ड को अगर अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड इधर से इधर आ जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, बताओ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के पास वापस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर अगर मैं नेगेटिव चार्ज को वापस अंदर भेजू तो ये बॉन्ड इधर से इधर आ जाएगा, तो इससे भी क्या हो जाएगा वापस, बताओ। नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे एन एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड और इधर लोन पेयर, है ना। फिर फाइनली अगर मैं इसको वापस अंदर भेज दूँ, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होकर इसके नाइट्रोजन के ऊपर उसको लोन पेयर अपना वापस मिल जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि लास्ट वाला तो वापस फर्स्ट और लास्ट तो सेम ही हो गया, तो 1 2 3 4 5, सॉरी इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लास्ट वाला तो सेम ही हो गया। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें से 4 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो हम कहते एक आशा की किरण लेके कि नाइट्रोजन हमको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और वो बेसिक है करके दिख रहा था, तो बेसिक था, बट था बाद में मालूम पड़ा ये तो हमसे भी ज्यादा भिखारी निकला। तो बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए खाली इंडक्टिव इफेक्ट काम का नहीं है, हमको हाइपर कॉन्जुगेशन भी चाहिए, रेजोनेंस भी चाहिए, जिसमें से हमने रेजोनेंस कंप्लीट किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन है एंट्रेंस का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एचडीए चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स एंड एरीन्स पढ़ेंगे तब हमको वहां पे काम आएगा वापस, बट इसका कंसेप्ट यहाँ पे है। कंपेयर द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन दीज टू कंपाउंड्स, ये जो बॉन्ड लेंथ है इसको मुझे कंपेयर करना है। सर कंपेयर करना मतलब कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो सबसे छोटा होता है, डबल बॉन्ड उससे बड़ा होता है, और सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, मोर इज द बॉन्ड लेंथ लेस इज द, मोर इज द बॉन्ड लेंथ लेस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ही वीक होगा। और बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, इधर 1 बॉन्ड है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें इस कंपाउंड के बारे में, तो इस कंपाउंड में आप देखोगे तो पाई बॉन्ड है और उसके साथ में लोन पेयर है इधर, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो ये इधर से इधर चला जाएगा। तो कैन वी से दैट दिस कंपाउंड में कार्बन और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे लोन पेयर है इधर भी, और यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां की अगर हम बात करें तो यहां पे इसके अंदर ये वाला पार्ट गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस हो ही नहीं सकता,
क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि यहाँ पे भी ना तो पाई बॉन्ड है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, नो डैश रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बार क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बार वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो कैन वी से दैट हियर इन दिस कंपाउंड कार्बन क्लोरीन हैज पार्शियल विच कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट हैज डैश कैरेक्टर, डीबी कैरेक्टर, डीबी कैरेक्टर मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो मुझे बताओ इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है क्या, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, नो, सो नो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैज नो डैश कैरेक्टर, नो डीबी कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो आप मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो कह रहे हैं डबल बॉन्ड इसमें दिख रहा है मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करने जाओ तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर मुझे कंपेयर द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ पूछा है इन किस कंपाउंड, इस कंपाउंड में, तो मुझे बताओ इसमें कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो थोड़ा कंपेरेटिवली छोटा होगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है, डबल बॉन्ड का, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से बड़ा कौन होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है। सो देयरफॉर इसके अंदर कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है इन विच कंपाउंड, कंपाउंड ए, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन ए इज लेस देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन बी, एकदम सिंपल सेम। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की बात करूं तो बताओ क्या यहाँ पे इसमें रेजोनेंस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नो रेजोनेंस, और नो रेजोनेंस मतलब नो डैश कैरेक्टर, नो डीबी कैरेक्टर, और अगर इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है तो ये प्योरली सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बन के रहेगा। अगर ये प्योरली सिंगल बॉन्ड बन के रहेगा क्या इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यस इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो आप मुझे बताओ इस कंपाउंड की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे मुझे एक बात बताओ, इट हैज अ डैश कैरेक्टर, पार्शियल डैश कैरेक्टर, डीबी कैरेक्टर, और अगर इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो कहने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को अगर मैंने नाम दिया ए और इस कंपाउंड को क्या नाम दिया, बी, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है कार्बन और क्लोरीन में, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो बॉन्ड का लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन ए इज ग्रेटर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन बी, एकदम सिंपल। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, सॉरी थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, बट मुझे दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना था, पाई बॉन्ड एंड कटायन, पाई बॉन्ड एंड अनायन। डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर से आपको ये बहुत इजी लगेगा, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली हमारे बहुत सारे कंसेप्ट कवर हो गए, नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग को एग्जांपल्स ही डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे, रेजोनेंस खत्म होने के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी के बाद हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे, बीच में सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज सब कंसेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा मैंने अलग से करके रखा था, बट बाकी रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है और एरोमेटिसिटी है, इन तीनों को पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो जरूरत पड़ी तो हम लोग दो लेक्चर्स हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज ही सॉल्व करेंगे, बट अभी बीच में एमसीक्यू सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज कहीं कहीं पे एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट आएगा, कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट आएगा, तो फिर आपको सॉल्व करने में और मुझे समझाने में मजा नहीं आएगा, आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। इससे अच्छा रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एरोमेटिसिटी खत्म होने के बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एक रिक्वेस्ट है अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इनके जो पहले पहले स्ट्रक्चर्स है इनको आप ड्रॉ कर लीजिए और फिर इनको आप घर पे वापस से प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार गलत होगा चलेगा, बट डेफिनेटली आपको एक हैबिट होने के बाद आपको बहुत ही मजा आएगा। सो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, वी हैव कवर्ड फर्स्ट एंड सेकंड। So we'll meet in the next lecture. Till then, thank you students. Take care.